सीरियल पांड्या स्टोर में रिशिता उठाने वाली है बहुत ही बड़ा कदम। गर्भ में आई हुई औरतों के सामने ही उन औरतों की बेइज्जती कर देगी, वो भी सुमन और सभी के सामने। दरअसल ये औरतें यहाँ पर ताने देती है सुमन को भी और धरा को भी कि तुम्हारे कोई बच्चा नहीं हो रहा, तुम्हें गोद ले लाना चाहिए, कब पता नहीं पोते पोतियों का सुख भोगोगी। तो सुमन के सामने इंसल्ट कर देती है और धरा को भी काफी बुरा लग रहा होता है। तो रिशिता मुंह तोड़ जवाब दे देती है और कहती है कि आप लोगों को शर्मानी चाहिए कि किसी औरत की बेबी नहीं हो रहा है, और इसकी प्रॉब्लम को समझने के बजाय आप ताने सुनाने आ गए यहाँ पर, वो भी हमारे घर में और हमारे सामने। हमारी भाभी को और हमारी माँ को आपको ताने सुनाने का हक किसने दिया? और बुरी तरह से भड़कने वाली है जिससे औरतों का मुंह तो बंद हो जाएगा। लेकिन सुमन यहाँ पर उसे चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुप नहीं रहती और कहती कि माँ मैं आज चुप नहीं रहने वाली। ये हमेशा ही भाभी को बहुत कुछ सुनाती रहती है और इनके घर में भी तो बहुत कुछ चल रहा होता है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहते, तो इन लोगों का हक किसने दिया? तो यहाँ पर बहुत बुरी तरह से भड़कने वाली है रिशिता। धरा भी उसे चुप करवाने की कोशिश करती है लेकिन वो चुप कहाँ होती है और दम उनकी बैंड बजा देती है। तो यहाँ पर सुमन कहती है कि बहुत ही आज उन लौटों के जाने के बाद तो कहती है कि हाँ आज तो तुमने बहुत ही पटपट पर महारानी की तरह बातें करी, लेकिन आज अच्छा किया तूने उनका मुंह बंद कर दिया। ऐसों का ऐसे ही मुंह बंद किया जाता है और सुमन बहुत खुश हो जाती है रिशिता के इस बिहेवियर से। वो कहती है कि हाँ अच्छा किया, तुम हमेशा घर में पटपट करती रहती हो, अच्छा हो कि तुमने सब के लोगों के सामने मोहल्लों की औरतों को जवाब दिया। और धरा और सभी घर वाले भी खुश हो जाते हैं और यहाँ तक क्रिश भी मजे लेते नजर आता है और कहता है कि वाह भाभी आज तो आपने कमाल ही कर दिया। और यहाँ पर देव को भी देव कहता है कि हाँ तो पत्नी किसकी है, और वो उसकी तारीफ करता है। रिशिता काफी खुश हो जाती है। तो वहीं पर अब धरा सोचती है कि अब रिशिता को बेचारी को बहुत बुरा लग रहा होगा मेरे रूम को लेकर, लेकिन उसके लिए भी हम वॉशरूम अलग से जरूर बनवाएंगे। और धरा भी इस बात को भी बच्चे की बात को भी लेकर गौतम से बात करती है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। माँ आज जिस तरह से बच्चे को खिला रही थी, मुझे लगता है कि वो कितना ज्यादा अब इन सब चीजों को मिस करती है, और जल्दी से हमें इस बारे में कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, और जल्दी ही ये लोग डॉक्टर से मिलकर इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे।